हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर अंदर ब्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, और नहीं भी है तो हो जाइए जल्दी से जल्दी। आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, और अभी टाइम हो चुका है लगभग 3:40, 5 बजे हमारी ट्रेन है। आज 3 तारीख है, तो आज हम लोग निकल रहे हैं कोलकाता के लिए। मैं और मेरा एक फ्रेंड जा रहे हैं कोलकाता बाय ट्रेन गंगा सागर एक्सप्रेस से। मैं निकल रहा हूँ कोलकाता के लिए और गंगा सागर ट्रेन है हमारी, तो बस मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, और फ्रेश होकर तैयार होकर जल्दी से निकल जाता हूँ। बारिश भी हो रही है तो हम लोग बाइक से नहीं जा पाएंगे स्टेशन तक, तो हम लोग किसी और 3-व्हीलर या 4-व्हीलर से निकलेंगे, और जिससे भी निकलेंगे आप लोगों को बता देंगे। तो जल्दी से मैं तैयार हो जाता हूँ क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, 5 बजे की ट्रेन है गंगा सागर। तो हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों, और देख लीजिए हम लोग किस चीज से जा रहे हैं। ये गाड़ी से जा रहे हैं हम लोग, ऑटो से। ट्रेन में किस्मत से सीट आज अच्छी मिली है, दोनों ही सीट लोअर है, और ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। ये 10 मिनट भी नहीं हुए हम लोगों को निकले हुए, और ये भाई सब सोने की तैयारी में, आराम कर रहे हैं। पूरी रात ही आराम करना है, फिर भी आराम अभी से ही कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें, हम लोगों ने खाना भी ऑर्डर कर दिया हल्का फुल्का, और शायद चिकन चाउमीन हम लोगों ने ऑर्डर किया है, साथ में पानी बोतल, समस्तीपुर में आ जाएगा, फिर खा पी के बस सोना है। चुके हैं समस्तीपुर में, खाना का ऑर्डर हम लोगों ने किया था RCTC ऐप से। देखना है कि खाना आता है या नहीं आता टाइम पे, बिहार है ये, कुछ भी हो सकता है। वेट कर रहे हैं, अभी तक तो आया नहीं है, देख लेते हैं। हो चुकी है सुबह, देख सकते हैं, बस आधा घंटा और लगेगा, और अभी टाइम हो चुके हैं 6:00। ये रहे शमशाद बाबू, मोबाइल में लगे हुए हैं, अभी बहुत लेट उठे हैं ये। मैं तो 4:30 से ही जागा हुआ, ट्रेन में उतनी नींद आती नहीं है, बस आधा घंटा और वेट करना है, उसके बाद फिर हम लोग पहुंच जाएंगे सियालदह स्टेशन। सियालदह स्टेशन, और अब वेट कर रहे हैं गाड़ी का, एक फ्रेंड भी है सफीउल्लाह, तो वो पहुंचने वाला है, वो आ जाता है फिर उसके साथ हम लोग निकलेंगे, बस वो ऑन द वे है रास्ते में। फाइनली हम लोगों का जो टैक्सी ड्राइवर है ये आ चुका है, यही है ड्राइवर, और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से
अब देखते हैं कोई अच्छा सा होटल देख के वहाँ पे रूम लेते हैं। फाइनली रूम मिल गया, आ गए हम लोग रूम में, दिखा देते हैं आप लोगों को। आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, दिखाएंगे आप लोगों को, घूमने हम लोग निकलेंगे तब। चलिए फिलहाल बाय बाय।